आजकल की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन जैसी हो गई है। जैसे वो निकलती है पूरा मोहल्ला छत पर आ जाता है। रजाई के अंदर छुपकर मोबाइल चलाने वालों बधाई हो, सर्दियां आ रही हैं। सुनो आज ठंड पड़ रही है, तुम स्वेटर पहन के जाना। अरे मैं अभी स्वेटर पहन के नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे स्वेटर पहन के? अरे अगला कोई पहने तो मैं भी पहनूं। भाभी जी आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। सर्दियों वाले सारे कपड़े निकाल लिया हूँ, अब कोई पहने तो मैं भी पहनूं। सुनो आज दिवाली है तो शाम को बच्चों के लिए फुलझड़ी और पटाखे ले आना। और हाँ मेरे लिए भी मुर्गा छाप पटाखे लाना। अरे पागल तुम क्या करोगी मुर्गा छाप पटाखे लेकर? तुम खुद ही एक एटम बम हो जो रोज फूटती हो और रोज कूटती हो। सुनो हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। जो कोई भी अपनी बीबी को दिवाली पे गिफ्ट दे रहा है और पकवान बनाने में उसकी मदद कर रहा है या दिवाली की सफाई में उसका सहयोग कर रहा है तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया उसकी फोटो इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपलोड करके दूसरे के जीवन में जहर न घोले। अरे पटाखे कोड ने बंद करवा दिए और साउंड सरकार ने, घी और मिठाइयां डॉक्टर ने बंद करवा दी, अब दिवाली हजमोला खा कर मनाए। जो कोई भी अपनी बीबी को दिवाली पे गिफ्ट दे रहा है और पकवान बनाने में उसकी मदद कर रहा है या दिवाली की सफाई में उसका सहयोग कर रहा है तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया उसकी फोटो इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपलोड करके दूसरे के जीवन में जहर न घोले। सुनो जी आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। अरे दाढ़ी रखने से सिर्फ साबुन का झाग ही फंसता है, लड़की नहीं। सोच बदलो कलयुग के राजकुमार। अरे दाढ़ी रखने से सिर्फ साबुन का झाग ही फंसता है, लड़की नहीं। सोच बदलो कलयुग के राजकुमार। अरे मेरे पास रॉकेट है, पटाखे हैं, अनार है, चक्री बम है, और तुम्हारे पास क्या है? अरे मेरे पास तो माचिस है, एक ही तिल्ली में सब खत्म। अरे दिवाली पे दिया जलाना पटाखे फोड़ना ये तो समझ में आता है, लेकिन साला ये दिवाली पे जुआ खेलने की प्रथा किसने शुरू की ये आज तक समझ में नहीं आया।